कंटेंट। चल हो चुके हैं और भाई अब जा रहे हैं ऋषिकेश। उन्होंने मेरे को ना एक चैलेंज करा था इन सब ने कि भाई जाके रशियन के साथ फोटो खिंचा गया। हेलो जी, हेलो, वेलकम है आपका एक और नए व्लॉग वीडियो में। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपने भाई ललित के साथ और मेट्रो। चल भाई रुक जाओ भाई, सफर कर लेंगे, एक और आ जाए, क्या दिक्कत है। तो भाई आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, हरिद्वार और शायद नीलकंठ का कंफर्म नहीं है, पर देखते हैं जैसा भी रहेगा आपको बता देंगे। और नोएडा वाले भाई भी जा रहे हैं, चलो तब तक बाय बाय। भाई मेट्रो में फाइनली आ चुके हैं, इधर लेडीज डब्बा है। जाएगा भाई, तू बैठेगा वहाँ? अच्छा, हमको सिखा रिया है। भाई अभी भैया लेने आ रहे हैं नीचे, मेट्रो स्टेशन के नीचे आ गए हम लोग। तेरा भाई अपना भाई, भैया भी मिल गए हैं हमें, वो खड़े हमारे ब्रदर सामने। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई अभी सामने आ गए। फिर भैया हमें अपनी कंपनी दिखाने लगते हैं कि मेरी कंपनी वहां पर है और इन भैया का नाम विकास है, पहली बार आपको बता दूं। हाँ ये कर लो पहले भाई, मेरे में भी हवा भर दियो है। चलो जब हमारे थोड़ी सी भाई, जब सामने पुलिस वाले खड़े हो ना, हमें भी पैदल आना पड़ता है। अबे सही तो मिला, चलना भाई, सेफ्टी मिल गई भाई। ये सेफ्टी भाई, क्या देख रहे हो तुम, क्या समझ रहे हो, बड़ा हरामी हो भाई। आ गए भैया, आ गए खड़े हम, क्योंकि यहाँ भाई पीछे पुलिस वाले थे। A few moments later हम मामा के घर भी जाते, पर वहाँ का सीन मैं रिकॉर्ड नहीं करता। विक्की भैया और ललित भाई और चेतन भैया और इधर गोलू भैया होते हैं, ये रहे, और इधर प्रिंस होता है, और आगे मेरे मामा बैठे होते हैं। यहाँ उतरते हैं हम ऑटो चेंज करने के, क्योंकि हमें डायरेक्ट गाजियाबाद जंक्शन का ऑटो नहीं मिलता। सारे ऑटो वाले इतने पैसे मांग रहे होते हैं कि पूछो ही मत। थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद हमें ऑटो मिल जाता है। भाई फाइनली हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, अभी भाई लोग पीछे उधर टिकट ले रहे हैं, दिख रहा होगा। भाई भाई मुझे माफ़ करना भाई, क्लियरिटी इस टाइम तो मेरे फ़ोन से पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, रात में ना क्लियरिटी कम आती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है भाई। इधर शिट भाई, हॉर्न ही हॉर्न है भाई, वेट। 17 भाई पहुंच चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन, और भाई सब कुछ ले लिया, मतलब टिकट वगैरह ले लिया भाइयों ने, और भाई इधर लोग वगैरह सो रहे हैं, क्या डिस्टर्ब करना भाई। ये गाजियाबाद जंक्शन शायद दिख रहा हो। अरे यहाँ थोड़ी आए थे चेतन भाई, ये टिकट है कुछ, अरे दिख जा यार भाई, ये कुछ टिकट है, समझ तो भाई, कुछ आ नहीं रहा इसमें, खैर क्या ही कर सकते हैं। ये लो भाई टिकट भाई, सिक्योरिटी चेकिंग। लेट्स गो भाई, ये रे भैया, ये भाई बार की तरह हमारे, ये रे हमारे कंटेंट। कुछ कहना चाहोगे? रुक जाओ यार, ब्लर आ रहा है। शिट भाई, इनको क्लैरिटी अब थोड़ी अच्छी आ रही होगी, क्योंकि इनका फोन है ना, फोन से कंटेंट। चल भोले बाबा के जा रहे हैं, भोले बाबा के जा रहे हैं। जोन बियर बियर नहीं पीने दूंगा इसको मैं, बता भाई ना पीते हम बियर, ना पीते है ये लड़का, ना भी हम कुछ जान हूं मैं यार। क्या मतलब भाई, क्या मतलब जेब में दो सिगरेट पड़ी है भाई? भाई देख लो, एक एक रुपया नहीं पड़ा जेब में। अच्छा पल्ली वाली जेब में पड़ी, पल्ली वाली भाई झूठ बोल रहा है भाई। इन्होंने भाई बियर पी लिया गलती से, गलती से मैं बता रहा हूं, सही रास्ते पे चलो, सीधे रास्ते पे चलो। जो बंदा भाई खुद बियर पी के बैठा है, वो दूसरे को गान 14 कर रहा है, समझ जाओ अब तुम्हें। मेरी बात नहीं मानोगे तो मारे जाओ। अच्छा भाई कह रहे हैं मेरी बात नहीं मानोगे तो मारे जाओगे, ठीक है भाई। ये ट्रेन पलटने वाली है। कौन सी वाली है ये? 1323859 वाली। ये तो भाई कोई ट्रेन नहीं है, ये अगले मोहल्ले में आई है, ट्रेन नंबर 1518 वाली। ट्रेन नंबर 1518 वाले व्यक्ति सुन लीजिए,
ट्रेन नंबर आदमी बोगी नंबर 76 में चढ़ जाएंगे। कुछ भी, कुछ भी। ये देखो एक चीज दिखाऊं, इनकी हरकत है भाई। क्या है, क्या ये भाई, क्या है? तू पागल है क्या? अबे तू पागल। भाई कौन सा गाना सुन रहा है? समझ में नहीं आएगा भाई। भैया भैया ये मालगाड़ी है ना, माल तो होगा इसमें। ये रशियन, बड़ा हरामी हो बेटा। A few moments later, तो भाई अभी हम कहाँ खड़े हैं? रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, इंग्लैंड में। गाजियाबाद। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। जंक्शन पे हम भाई, गाजियाबाद जंक्शन। चंडीगढ़ की आ गई भाई, चंडीगढ़ की ट्रेन है ये देख लो। लखनऊ टू चंडीगढ़ भाई, लखनऊ से चंडीगढ़ है, फिर प्रयागराज है, फिर चंडीगढ़ है बड़ा ये। अच्छा हाँ, प्रयागराज तक जाएगी भाई ये ट्रेन, ठीक है, प्रयागराज से वापस। हाँ इसकी नेक्स्ट अपनी ट्रेन है, फिर उसमें चल लेंगे यार। पर ना हम जर्नल कोर्ट में जा रहे हैं भाई, आज हम जर्नल का एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि भाई कैसा होता है, क्योंकि हमने हमारा प्लान कुछ कंफर्म नहीं था, तो इसलिए हम जर्नल में जा रहे हैं। हाँ भाई आप सही देख रहे हो, ये हमारी ट्रेन है, छूट गई है हमसे, क्या ही कर सकते हैं भाई, भीड़ इतनी हो रही है, देखो लोग कैसे चढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, भोले बाबा ने अगर हमें बुलाया होगा तो भाई अगली ट्रेन मिल जाएगी। और भाई अगली ट्रेन है 3 बजे की, और अभी 11 ही बज रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, भोले बाबा हमें बुला ही रहे थे, तो भाई 3 बजे वाली ट्रेन हमें मिल चुकी है, और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार बाबा के दर्शन करने। 3 बजे थोड़ा अंधेरा होता है, इसी कारण मैं शूट नहीं करता, इसलिए अब शूट कर रहा हूँ। और भाई भीड़ बहुत होती है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, यहाँ भीड़ बहुत है, नॉइस भी बहुत आ रही होगी। कुछ कहना चाहोगे? भाई अभी पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत तगड़े तगड़े पॉइंट पढ़ने वाले हैं। फिर क्या इतनी ऊंची से करूँ? और क्या, तभी तो सही आएगा। देखो भाई ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमें कैमरा एंगल बताते हैं, ठीक है। आपको कैमरा एंगल कैसा लग रहा हो बता देना। मैं कह रहा हूँ लोगों को एक चीज बता दूँ मेन, अगर आप लोग कभी भी आओ तो भाई जर्नल में तो आना मत। ये भाई साहब हमारे जर्नल में ले आए गलती से, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था, तो रिजर्वेशन मिल नहीं रहा था, इसलिए जर्नल में आना पड़ा हमें। कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ भाई कैसी रही? घाट पे नहाने के लिए, डर भाई नहा लेंगे, फिर नहाने के बाद देखेंगे जहाँ होटल, क्योंकि भाई भूत भी बहुत लग रही है, और फिर नहा के खाना खाएंगे तो और बेटर रहेगा, है ना। एक तो भाई जर्नल में आए हैं, क्या ही बताएं आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा हम नहीं बता सकते। भाई जर्नल है, जर्नल में आए हैं, देख रहे हो। प्लान में भाई एक चेंज आया है, पहले कुछ खा रहे हैं इधर से, जय जय माँ गंगे से खा रहे हैं। चलो मैं भी 3 प्लेट मंगाया है, 1 प्लेट मेरी, बाकी ये लोग खाएंगे अपना अपना, देख लो भाई। मैं भाई सारे शेयर करके खाएंगे। आ जाओ, देखो भाई बात ऐसी है, अभी हमने मंगाया, देखो खाना पता नहीं भाई कितने रुपए प्लेट है भाई, आप यहाँ आके खा सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है। खाना टेस्ट करके बताते हैं, खाना टेस्ट करके बताते हैं, फिर अच्छा होगा तो भाई यहीं ट्राई कर लेना आप। खाने का पार्ट खत्म, अब चल रहे हैं नहाने। तो भाई भूख लग रही थी बहुत देर से, तो इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लाल है क्या मतलब? मैं कौन ऐसा कौन कह रहा है कमेंट पे? ये बिल्कुल जी को चिलम लेनी हो तो भाई यहाँ चिलम भी मिलते हैं भाई। जो भाई इनके जैसा समझ रहे हो, कोई यहीं तो आएगा चिलम लेने। हाँ भाई क्या पता भाई, शौक हो भाई बंदों के भाई, 2 मिनट वाली मैगी 5 मिनट में बना के दे। लाले पूरा ठेला लाले। 10 minutes later
अभी तो एक इन लोगों ने ये लिया, अभी आ रहा है खाना। रोटी मंगाई है और दाल मंगाई है और पनीर। 10 minutes later भाई खाना खा के आ चुके हैं और बिल भी पे कर दिया था और अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोन चार्ज कर रहे हैं, तो लाइक करते हैं, दौड़ी शेयर करना है और मेरी। अबे साले। A few moments later भाई बहुत देर बाद ट्रेन आई और भाई इतनी तेज भागे हम, भाई सीट मिल चुके हैं सभी, सारे हरिद्वार के सवारी थे सारे उतर गए, पूरी ट्रेन खाली हो गई भाई। दिल्ली से खड़े होके आए थे, पूरे 40 मिनट में सोएंगे, पूरी नींद कर लेंगे। अच्छा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन यानी कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से राम झूले की दूरी मिनिमम 5 किलोमीटर है। आप अगर पैदल जाना चाहें तो पैदल जा सकते हैं भाई, हम तो ऑटो रिक्शा प्रीफर करते हैं क्योंकि भाई हमारी पैदल चलने की हालत नहीं होती, क्योंकि भाई हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो भाई प्लान में कुछ चेंजेस है, अभी हम जा रहे हैं राम झूला क्योंकि लक्ष्मण झूला बंद है, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहुँच गए हम ऋषिकेश और अब जा रहे हैं हम देखने कुछ लक्ष्मण झूला, राम झूला सॉरी, लक्ष्मण झूला तो खैर बंद है यार। भाई नाने जा रहे हैं यहाँ पे नहाएंगे। A few minutes later भाई नहा भी लिए हैं, सब कुछ हो गया। भाई अभी इन्होंने मेरे को ना एक चैलेंज करा था इन सब ने कि भाई जाके रशियन के साथ फोटो खिंचा गया, और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा भाई हराम। तो भाई रशियन के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये भाई इंडिया में दो रशियन अभी एक के साथ भाई ने फोटो। भाई चैलेंज कंप्लीट हो चुका है हमारा, जो कि चैलेंज दिया था रशियन के साथ फोटो खिंचाने का। तो भाई हम घर पे आ चुके थे रात में नहीं, कल दिन में आए थे हम, एक बजे से आ गए थे घर पे क्योंकि भाई रात में ना ट्रेन नहीं मिली थी, तो हमें थोड़ी सुबह की ट्रेन मिली तो हम रात भर वहाँ घूमे वगैरह इधर उधर हांड रहे थे। सोए तो हमें आई नहीं पूरी ट्रिप में, हल्के फुल्के सोए थे, थोड़े बहुत 10-5 मिनट की नींद ले ली, उसी में भाई हमारा हो जाता है काम। ठीक है, कल 1 बजे आ गए थे दोपहर में, तो भाई सोए हुए आराम आराम करा। और इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ हमारी ट्रिप के रिगार्डिंग कुछ। देखो भाई हम यहाँ से गए थे, हमारा उस प्लान नहीं था कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हमारा रिसेंटली प्लान बना क्योंकि भाइयों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो जैसी छुट्टी मिली तो भाई अगर हम रिजर्वेशन कराते तो रिजर्वेशन 2 दिन पहले कराना पड़ता है, 2 या 5 दिन पहले, तो जिससे कि हमें ट्रेन की वो नहीं मिली सीट। ठीक है, आते टाइम तो सीट घेरनी होती है जर्नल में, तो आते टाइम तो मिल गई थी, फिर वापसी आते टाइम भी थोड़ा मैं थक गया था इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। जो भाई ने क्लिप शूट करी थी उसी में मैं वॉइस ओवर करके डाल दिया था, आपने देख ही लिया होगा। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो ना हरिद्वार की, तो भाई इस टाइम में मत करना जून जुलाई में, क्योंकि भाई मई जून जुलाई क्योंकि भाई इस टाइम होती है स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ, तो भाई सारे बच्चे या फिर पूरी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर तो भाई वहाँ जाने का करते हैं, तो बहुत बंदे जाते हैं इसलिए यार इस टाइम भीड़ बहुत है, पहली बात तो ये। ठीक है, और अगर आप जाओ भी तो भाई ट्रेन से जा सकते हो, ट्रेन अच्छा चॉइस है, पर जर्नल में तो सोचना मत इस टाइम जाने की, और भाई भीड़ बहुत रहती है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हम अगर आप होटल वगैरह भी लेना चाहते हो
तो उसका भाई अपना अलग से देख के चलना, क्योंकि हमने होटल नहीं लिया था एक भी, खाना पीना हमारा सब 2000 में, बस 2000 में हो गया था समझ लो, ठीक है। और बाकी मैं बात करूँ कि कितने दिन की ट्रिप थी, तो सैटरडे की हम रात को निकले थे, ठीक है, और सोमवार को कितने बजे आ गए थे, सुबह 1 बजे घर पे आ गए थे। तो भाई बस इतना ही था, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और भाई नेक्स्ट व्लॉग जो आए ना बहुत तगड़ा व्लॉग आने वाला है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।